नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अतीक अहमद के सबसे खास गुड्डू मुस्लिम यानी कि जिसने बम मारे थे उमेश पाल के घर में, तो उसकी तरफ से देखिए योगी आदित्यनाथ को सरेआम धमकी दी गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे पास गुड्डू मुस्लिम के हवाले से। आप सभी को बताया कि अतीक अहमद की हत्या से पहले यानी कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद ही जो गुड्डू मुस्लिम है जिसने बम मारे थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे पे बम मारते हुए दिखाई दिया गया था, तो अब उसने क्या किया है, क्योंकि आप सभी को पता है गुड्डू मुस्लिम फरार है, शाइस्ता परवीन भी फरार है, तो गुड्डू मुस्लिम ने देखिए योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी है और बोला है कि हम अतीक अहमद का बदला लेंगे। ये खबर देखिए इस वक्त आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुड्डू मुस्लिम ने खत लिखकर भेजा है। हालांकि देखिए योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, जो यूपी पुलिस है, उसने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है कि योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए ये बोला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऑफिस में एक चिट्ठी पहुंची जिसमें गुड्डू मुस्लिम ने बाकायदा अपना नाम लिख के योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है और बोला है कि देखिए इस केस से पीछे हट जाइए, हमारा पीछे छोड़ दीजिए, और साथ ही साथ देखिए कि अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे हम। उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिखा कि योगी आदित्यनाथ को ही मारेंगे, लेकिन बदला लेंगे ये जरूर लिखा है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो योगी की पुलिस है वो कब तक देखिए गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करती है, क्योंकि अतीक अहमद की मृत्यु के बाद, अशरफ अहमद की मृत्यु के बाद अतीक अहमद का जो पूरा गैंग है जिसमें 200 से ज्यादा शूटर्स हैं, उस पूरी गैंग को शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम चला रहे हैं, ऐसा खबर हमें मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक यूपी पुलिस पकड़ती है, और साथ ही साथ जो तीनों आरोपी है जिन्होंने अतीक की हत्या करी थी, अशरफ की हत्या की थी, उनसे क्या कुछ देखे पुलिस निकलवाती है, देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।